आज हम अटक में ग्राउंडनट रिसर्च सेंटर में आए हैं। जिसका आपको बताया कि यहाँ पर एक जो है ना ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट ऑलमोस्ट 600 केजी पर आवर का इंस्टॉल्ड है और ये जदीद टेक्नोलॉजी पे इटली से इंपोर्ट हुआ है और यहाँ नसब हुआ है। अब यहाँ पे पहला स्टेप आपको दिखाते हैं कि पहला स्टेप जो फूड जब डाला जाता है तो वो यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट से पहले जो है वो एक चेंबर बना हुआ है जहाँ पे फ्रूट डाल कर तो वो यहाँ फिल्टर आउट हो जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट पे फ्रूट जो है वो सप्लाई होता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि नेक्स्ट जो है वो इस चेंबर के अंदर एक ब्लोअर लगा होता है जो पत्तों को जो है जितने भी लीव्स वगैरह आते हैं फ्रूट के साथ उनको जो है वो अलग करता है, सेपरेट आउट करता है। उस सेपरेट आउट करने से ये होता है कि कोई भी लीव जो है वो फिर आगे जो प्रोसेस है उसके अंदर नहीं जाता, वो नीचे से जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। फिर वहाँ से ऑल फ्रूट जो है वो नीचे जब आता है उसके बाद फिर जो है वो कन्वेयर बेल्ट पे यहाँ पे वो वॉशिंग होती है। हम आपको वीडियोज़ में दिखाएंगे किस तरह वॉश होता है। जब वॉश होने के बाद फिर अगेन एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है जो कन्वेयर बेल्ट जो है इसको फ्रूट को ऊपर लेकर जाती है। ये मोटर्स आपको नजर आ रही है, एक ग्राइंडर है। इस ग्राइंडर के बाद फिर जो है वो इन चेंबर्स में जिनको हम मिलैक्सिंग यूनिट्स कहते हैं वो इसके अंदर आ जाता है और मिलैक्सिंग यूनिट्स में जो है वो फिर जो है वो जो ग्राइंड होके पेस्ट बनता है उस पेस्ट को फिर मिलैक्स किया जाता है या नीड किया जाता है इन अदर वर्ड्स, जिससे फिर होता ही है कि जो आपका जो पेस्ट है उससे ऑयल जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। और जो ऑयल्स ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स इसके अंदर जो है वो फ्रूट को जो है वो मिलैक्स किया जाता है, नीड किया जाता है और उसके बाद जब फील होता है कि हाँ ठीक है अब जो पेस्ट है उससे ऑयल जो है वो सेपरेट आउट हो गया, तो फिर एक पंप के ज़रिए ये जितना भी जो पेस्ट है एक पंप के ज़रिए जो यहाँ लगा हुआ है इस पंप के ज़रिए वो एक सेंट्रीफ्यूज में चला जाता है। ये सेंट्रीफ्यूज ऑलमोस्ट 5000 आरपीएम पे, करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, 5000 आरपीएम पे चलती है और ये मैकेनिकल तरीके से जो है वो पेस्ट से ऑयल को सेपरेट कर देती है और पानी को सेपरेट कर देती है। तो यहाँ से फिर इस चेंबर में जो है वो जितना भी पेस्ट जो बाय प्रोडक्ट है इसका पॉमस वो इस चेंबर में आके आउटसाइड चला जाता है, यहाँ पे बाहर निकल जाता है और इस फिल्टर के अंदर जो है वो ऑयल आता है और ऑयल इसमें से जो पहला फिल्ट्रेशन होती है पहली क्लैरिटी लाने के लिए इसके अंदर जो है वो ऑयल इसके अंदर आता है और फिर यहाँ से ये एक पंप के ज़रिए जो है वो ऑयल इसके अंदर आता है। ये एक वर्टिकल सेंट्रीफ्यूज है, ये भी जो है वो ऑयल के अंदर से जितना भी पानी जो भी है तो उसको सेपरेट करके बिल्कुल क्लियर ऑयल जो है ना इसके अंदर फिर यहाँ से आता है और फिर हम यहाँ से इसको डिस्पेंस आउट करते हैं।